सादुल शहर में जनवरी 2016 के पश्चात भाखड़ा नहर परियोजना फेज प्रथम के अंतर्गत 71 खालों के निर्माण की राशि 3792.77 लाख एवं गंग नहर प्रणाली के अंतर्गत 57 खालों के निर्माण पर राशि रुपये 2378.78 लाख कुल राशि रुपये 6171.55 लाख का बजट आवंटन किया गया। क्रम संख्या 2 भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना PMKSY के अंतर्गत 99 प्राथमिकता परियोजना में स्वीकृत गंग नहर परियोजना फेज द्वितीय के तहत वर्ष 2021-22 हेतु 32,000 क्षेत्रफल हेक्टर क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं इस हेतु राशि रुपये 116.96 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें श्री गंगानगर जिले में गंग नहर प्रणाली के कृषकों का लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि विधानसभा क्षेत्र सालुसर में दो प्रणालियों से सिंचाई होती है, भाखड़ा से और गंग कैनाल में। आपने गंग कैनाल का जिक्र कर दिया, लेकिन भाखड़ा के बारे में कि सादुलशहर में कोई खाड़े बन रहे हैं कि इस साल नहीं बन रहे, इस सरकार से जवाब चाह रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, 1/4/2017 से पहले CADWM कार्यक्रम के तहत भारत सरकार और राजस्थान सरकार इन खालों के निर्माण का कार्य करती थी। भारत सरकार ने 1/4/2017 को ये योजना बंद कर दी और भारत सरकार ने ये बात करी कि इज्बिक के नाम से एक दूसरी योजना शुरू करेंगे और उसके तहत ये खाले निर्माण का कार्य होगा। पर मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि भारत सरकार 2017 के बाद आज तक, मैंने लगातार, मेरे से पूर्व मंत्री जी ने तो चिट्ठी भी नहीं लिखी कि भारत सरकार के अंदर बात करते हुए उनको पता नहीं क्या उनकी थी। मैंने गडकरी जी को एक दफ़े और माननीय हमारे मारवाड़ से आने वाले मंत्री जी को दो दफ़े मैंने निवेदन किया कि ये योजना आप राजस्थान के अंदर शुरू करो, नहीं तो पूरा का पूरा कार्य 2017 के बाद भारत सरकार द्वारा इज्बिक के नाम से जो योजना प्रस्तावित थी उनके नहीं आने के कारण ये बंद हो चुकी है। कल भी सदन के अंदर चिंता जाहिर की गई। मेरा सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन है कि माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से, जिनके मेरे जैसे व्यक्तिगत रिश्ते भी होंगे, उनसे निवेदन करें कि इज्बिक को चालू कर राजस्थान के किसानों को, जिसकी चिंता कल गंगानगर हनुमानगढ़ से आने वाले सदस्यों ने सदन में भी करी, बाहर भी करी, पर वो चिंता भारत सरकार के सामने प्रकट कर राजस्थान के नहरी क्षेत्रों के किसान के साथ 2017 के बाद जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय परिवर्तन कराने में सहयोग करे, जिससे जगदीश जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जो दूसरे परियोजना उसमें भी काम हो सके और राजस्थान में दूसरी जगह भी कार्य हो सके। अगला प्रश्न, गोपीचंद मीणा। प्रश्न संख्या 145 सीधा मेरा क्वेश्चन है मंत्री जी से। मंत्री जी पढ़ा